दोस्तों फाइनली सैमसंग ने अपने ए सीरीज के स्मार्टफोन सैमसंग गलेक्सी A50 में एंड्रॉयड 10 का अपडेट देना शुरू कर दिया है। दोस्तों जब भी कोई अपडेट आता है तो लोग जल्दबाजी करते हैं और जल्दबाजी में अपडेट करना शुरू कर देते हैं, ऐसे में वो काफ़ी मिस्टेक कर जाते हैं। तो ऐसी क्या मिस्टेक है, ऐसी क्या गलतियाँ हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखना जिससे आप उस मिस्टेक को करने से बच सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस अपडेट का इंतजार काफ़ी टाइम से लोग कर रहे थे क्योंकि सैमसंग ने अपने काफ़ी स्मार्टफोन में यह अपडेट दे दिया था, लेकिन A50 में ये अपडेट काफ़ी टाइम से रुका हुआ था। A50 सैमसंग का एक काफ़ी पॉपुलर फ़ोन रहा है जो और जो लोग A50 यूज़ करते हैं वो लोग काफ़ी टाइम से इसका वेट कर रहे थे कि कब ये अपडेट आएगा और कब हमको नया नया कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि सैमसंग ने अपने M सीरीज़ के स्मार्टफोन सैमसंग गलेक्सी M30 में भी अपडेट दे दिया था, जो कि सैमसंग गलेक्सी A50 के बाद में आया था। बहुत से लोग हैं जो इसे यूज़ करते हैं और A50 के यूज़र को ये अपडेट देखकर काफ़ी खुशी होगी कि फाइनली ये अपडेट आ चुका है, क्योंकि इस अपडेट के साथ साथ इस फ़ोन में काफ़ी ऐसे फीचर हैं जो आपके फ़ोन को एकदम से चेंज कर देंगे और आपका फ़ोन एकदम न्यू लुक देने लगेगा। दोस्तों फ़ोन चाहे कोई सी भी कंपनी का हो और कोई सी मॉडल का हो, जब भी कोई अपडेट आता है तो लोग जल्दबाजी कर जाते हैं। A50 में ये अपडेट पता नहीं किसी प्रॉब्लम की वजह से रुका पड़ा था, लेकिन फाइनली इस बार ये अपडेट आ चुका है और सैमसंग के A50 के जो इतने भी यूज़र हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अपडेट चाहे कोई सा भी हो, कितना भी बड़ा हो और चाहे कोई सी भी कंपनी का हो, जब भी कोई अपडेट आता है तो अपने साथ साथ कुछ बक्स लेके जरूर आता है। तो काफ़ी ज़्यादा यूजर ऐसे हैं जो अपने फ़ोन को अपडेट करते हैं और उस टाइम कोई गलती कर जाते हैं, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको वो गलती कैसे सुधारनी है। जब भी आप अपने फ़ोन को किसी भी अपडेट में अपडेट करो, कोई भी अपडेट आया हो, जब आप उसे अपडेट करते हो तो उससे पहले आपको अपने डाटा, जो आपके फ़ोन में डाटा होता है, उसको अपने पेन ड्राइव में या किसी अदर ड्राइव में रिकवर करना है, क्योंकि काफ़ी अपडेट ऐसे होते हैं जो अपने साथ बक्स लाते हैं जिससे आपका डाटा लॉस हो सकता है। और ये जो एंड्रॉयड 10 का अपडेट है ये काफ़ी टाइम बाद इस फ़ोन में आया है, जो भी समथिंग 2 GB के लगभग है। जब इतना बड़ा अपडेट है तो अपने साथ साथ कोई बग जरूर लेकर आया होगा, और आपका फ़ोन पहले से एंड्रॉयड 9 पे चल रहा है तो ऐसी गलती कहीं मत करना। जब भी आप अपने फ़ोन को अपडेट करो तो अपडेट करने से पहले आपके फ़ोन में जो भी डाटा है, जो आपका पर्सनल डाटा है, उसे रिकवर कर लेना, क्योंकि आपका ये डाटा लॉस हो सकता है और फिर आप बाद में कुछ नहीं कर सकते। मैं भी सैमसंग गलेक्सी A50 यूज़ करता हूँ, मेरे पास भी A50 फ़ोन है, मेरे फ़ोन में जो अपडेट आ चुका है देख लीजिए, मैं आपको अपने फ़ोन में दिखाता हूँ। तो ये मेरा सैमसंग गलेक्सी A50 स्मार्टफोन है, आप देख सकते हो इसमें एंड्रॉयड 10 का अपडेट आया हुआ है जिसका साइज 1793.44 MB है, समथिंग 2 GB का ही अपडेट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर देखने को मिल सकते हैं आपको। ये देखिए ये सब फीचर आपको अपडेट करने के बाद मिलेंगे। तो शायद आपके पास ये स्मार्टफोन हो, आपके फ़ोन में ये अपडेट नहीं आ पाया हो, क्योंकि सैमसंग ने ये देना शुरू कर दिया है तो मेरे फ़ोन में आ चुका है, कुछ टाइम में आपके फ़ोन में भी आ जाएगा, तो थोड़ा वेट करें। अगर नहीं आया हो तो 1-2 दिन में, 2-4 दिन में आपके फ़ोन में ज़रूर आएगा। दोस्तों कैसी लगी मेरी आपको ये वीडियो, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक करना, शेयर करना, और आपको जितने भी फ्रेंड हैं जो A50 यूज़ करते हैं उन सबके पास ये वीडियो शेयर करना, जिससे वो भी अपने फ़ोन को अपडेट कर सकें। और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। मैं फिर मिलूँगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।